राजनीति हमारा मायका है और सेवा हमारा ससुराल, और मायका और ससुराल दोनों का प्यार है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ऐसे में किसी भी बेटी को कोई रोक सके। तो जब चिराग पासवान का इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का सपोर्ट मिलता है, तब क्या लगता है? और आप तो भैया भी कहती हैं उन्हें, सामने से जो भी आए हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, पर जीत तो हमारी सुनिश्चित है। लगता नहीं है कि संभवी नहीं है, नई कैंडिडेट उन्हें कह कौन रहा है? सनी हजारी को लेकर आप क्या कहेंगी, क्या मानती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है या चुनौती नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही से घूम रही हैं क्षेत्र। महेश्वर हजारी आपके भी चाचा हैं, आपके पिता के मित्र हैं, उनसे आशीर्वाद की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग भैया बिल्कुल वही हैं। हमें हमेशा एक छोटी बहन का आदर और सम्मान अपने जिंदगी में दिया, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। ऐसे आए हैं जैसे अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई बड़ा भाई। तरह से पूरे समस्तीपुर के लोग हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें अपनी बेटी मान के आगे बढ़ा रहे हैं, एक महिला को, एक युवा प्रत्याशी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी अपने राजनीतिक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो लोग कह रहे थे कि सांभवी चौधरी बाहरी है, उन्हें हम एक नजारा दिखलाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, सांभवी चौधरी का अपना घर यहाँ पर समस्तीपुर में, इन्होंने घर ले लिया है और जवाब दिया है विरोधियों को कि देखिए हम समस्तीपुर के ही हैं और जीतेंगे तो समस्तीपुर में ही रहेंगे और समस्तीपुर की जनता की सेवा करेंगे, जो पहले दिन से कमिटमेंट सांभवी चौधरी कर रही है। सांभवी, ये तो सरप्राइज कर दिया लोगों को आपने। ये हम पहले भी कह रहे थे, और हम जब पटना में थे तब भी हमने कहा था कि हम समस्तीपुर में बकायदा एक घर लेके वहां से ही चुनाव प्रचार करेंगे, ताकि जो हमारी जनता है उनको हम तक पहुंचने में कोई कष्ट ना हो। इसके अलावा हम हर प्रखंड में अपना एक ऑफिस भी खोलेंगे, ताकि हम ये मानते हैं कि समस्तीपुर में घर लेने से पूरे संसदीय क्षेत्र का कह सकते हैं कि हम पूरे संसदीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग विधानसभा है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए वहां तक पहुंचना शायद आर्थिक रूप से पॉसिबल नहीं हो। इसीलिए हम अभी अपने चुनाव स्ट्रेटजी में जो अपनाए हैं वही हम आगे भी लेके, अगर हम जीतते हैं तो हम वही आगे लेके चलेंगे, और हर प्रखंड में एक ऑफिस रखेंगे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी उस ऑफिस तक पहुंच पाए। और उस ऑफिस के थ्रू हम हमेशा सबको कहते हैं कि आप लोग क्यों परेशान होइएगा आने के लिए, हमको आप फोन कर दीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे। मतलब पूरे जो राजनीति है वो राजनीति के हैं या जनसेवा के हैं, आप सीख के आई हैं, क्योंकि आपके पिता तो इतने सालों से राजनीति में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लगता नहीं है सांभवी, और अशोक जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी तो चर्चा हो रही थी, मैं कह रहा था कि लगता नहीं है कि सांभवी नहीं है, नई कैंडिडेट उन्हें कह कौन रहा है? देखिए, हम मानते हैं कि राजनीतिक परिवार में पले बढ़े हैं, तो बहुत चीज को करीबी से देखने का मौका मिला है, अच्छे को भी और बुरे को भी। तो हमने बुरे वक्त को भी देखा है और हमने अच्छे वक्त को भी देखा है, और हम ये मानते हैं कि राजनीति में अगर आप हैं तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बस यही है। राजनीति हमारा मायका है और सेवा हमारा ससुराल, तो ये हमारा एक कहते हैं ना कि बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन लेके हम फील्ड में उतरे हैं, और मायका और ससुराल दोनों का प्यार है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ऐसे में किसी भी बेटी को कोई रोक सके। चिराग जी से जब भी हमारी बात होती है वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, ना सिर्फ अपने सीट को लेकर, जमुई को लेकर, वैशाली को लेकर, और खासकर जब आपको लेकर बात होती है, राजेश वर्मा जी को लेकर बात होती है, कहते हैं कि देखिए ना अमित भाई कितने पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग दिल्ली जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा जब अपनी बातें रखेंगे, जब अपने क्षेत्र की बातें रखेंगे। तो जब चिराग पासवान का इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का सपोर्ट मिलता है, तब क्या लगता है? और आप तो भैया भी कहती हैं उन्हें। हम काफी समय से चिराग भैया को जानते हैं, चिराग भैया से हम संबंधित हैं, और मेरे जो पति हैं शान कुणाल वो भी काफी वर्षों से चिराग भैया से के बातचीत में रहते हैं, और कह सकते हैं कि उनके जीवन में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। तो बहुत नेचुरल है कि चिराग भैया एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर परिस्थिति के विपरीत जाके हमें आगे बढ़ाया है और हमें मौका दिया है अपनी बात रखने का। तो
बहुत एक नेचुरल जो इंसान आपको इतना आगे लेके जाने का कहते ना कि आकांक्षा रखता है, इतना आगे ले जाना चाहता है, उस इंसान के लिए आपके दिल में हमेशा बहुत सम्मान और आदर होता है। चिराग भैया बिल्कुल वही हैं, हमें हमेशा एक छोटी बहन का आदर और सम्मान अपने ज़िंदगी में दिया, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन चिराग भैया हमारे जीवन में एक मतलब ऐसे आए हैं जैसे अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। चलिए बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन अब आते हैं थोड़ा चुनौतियों पे। चुनौती आए हैं सनी हजारी, तो अभी तक तो आप कह रही थी कि जो मैदान में आया ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या करे, चाचा चाची से वोट मांग लेंगे, लेकिन अब तो सामने आ गया है लड़ाई लड़ने के लिए, तो सनी हजारी को लेकर आप क्या कहेंगी, क्या मानती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है या चुनौती नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही से घूम रही हैं क्षेत्र में। देखिए, रणभूमि में जब इंसान उतर जाता है तो सामने कोई भी आए लड़ाई तो करना पड़ता है, तो ये तो ऐसा नहीं था कि हमको नहीं था कि कोई सामने से आएगा, कोई ना कोई सामने से आता ही, और सामने से जो भी आए हैं उनको भी ऑल द बेस्ट लगे रहिए, पर जीत तो हमारी सुनिश्चित है। जिस तरह से कैंपेनिंग किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आपके खिलाफ, सनी हजारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष, हमने कहा कि हम राजनीति का अच्छा भी देखें और बुरा भी देखें, विपक्ष है उनको कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे ही ना, सब हमारी तरह तो नहीं हो सकते कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो उनका स्ट्रैटेजी शायद ये हो कि हम अपने सामने वाले को गिरा के ऊपर उठ जाएं, तो वो ये करेंगे, विपक्ष का काम है, उनको कुछ ना कुछ करना है, अपना सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान आपके लिए वोट मांग रहे हैं, तमाम जो जितने भी नेता कल भी आए थे, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम लोग आपके लिए वोट मांग रहे हैं, महेश्वर हजारी आपके भी चाचा हैं, आपके पिता के मित्र हैं, उनसे आशीर्वाद की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है, वो एनडीए सरकार में वरिष्ठ नेता है, वो समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कई वर्षों से, तो उनसे भी हम आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, और काफी साल से वो और मेरे पिताजी एक दूसरे को जानते हैं, तो हम भी उनको चाचा ही बोलेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे, और हम आशा करेंगे कि वो अपना जो राजनीतिक गठबंधन का धर्म है उसका वो पालन करें, और जिस तरह से पूरे समस्तीपुर के लोग हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें अपनी बेटी मान के आगे बढ़ा रहे हैं, एक महिला को, एक युवा प्रत्याशी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी अपने राजनीतिक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ संभावी चौधरी थी। सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने ये कहा और ये थोड़ा हम कहेंगे अपने सहयोगी संतोष जी को थोड़ा दिखला भी दीजिए कि घर ले लिया है सांभवी चौधरी ने, तो विरोधियों को करारा जवाब, उन विरोधियों को करारा जवाब जो ये कह रहे थे कि सांभवी चौधरी अगर जीतती हैं तो बाहर चली जाएंगी, लेकिन इन्होंने घर ले लिया है और पूरा प्लान बताया है कि वो किस तरह से जनता की सेवा करेंगी।